हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कढ़ाई के ऊपर कोलगेट पेस्ट हमें क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी यूजफुल टिप मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टिप की तरफ। पहली यूजफुल टिप है हमारी चाय पत्ती को लेकर। चाय पत्ती का यूज तो हम सभी चाय बनाने के लिए करते हैं। क्या आपको पता है, जब ये चाय पत्ती खत्म होने लगती है तो उसके नीचे के साइड बेस में बहुत सारा चाय पत्ती का पाउडर इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और इसकी हमें चाय बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। तो इसका हम यूज़ करेंगे अपने पौधों में, क्योंकि चाय पत्ती पौधों में बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर का काम करती है। और अगर मिट्टी में आप थोड़ी सी चाय पत्ती मिला देते हैं तो ये चाय पत्ती का पाउडर आपकी पौधों की मिट्टी को और भी ज़्यादा उपजाऊ बना देगा, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस चाय पत्ती को इस तरह से एक छलनी की हेल्प से छान लेंगे। तो जो छलनी के ऊपर मोटी वाली चाय पत्ती रह जाएगी, इसको तो हम फिर से चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और जितना भी पाउडर है वो नीचे की तरफ रह जाएगा। तो इसका यूज हम करेंगे अपने गमलों की मिट्टी में, क्योंकि फ्रेंड्स, इस चाय पत्ती में पोटेशियम, आयरन और नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खाद का काम करेगी हमारे पौधों में। तो इस चाय पत्ती के पाउडर को फेंकने की बजाय आप इसको गमले की मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, या फिर आप इसको पहले थोड़ा भिगा दीजिए, उसके बाद आप अपने गमलों की मिट्टी में डाल सकते हैं। ये आपके गमलों की मिट्टी को और भी ज़्यादा उपजाऊ बनाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस बेकार वेस्ट चाय पत्ती को भी यूज़ में ला सकते हैं, तो क्योंकि ये एक नेचुरल रेमेडी है और नेचुरल तरीके से हमें प्लांट से मिलती है, तो ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छी हेल्पफुल होती है उनको ग्रो करने में। मैं तो इसको डायरेक्टली इस तरह से गमलों के ऊपर से डाल रही हूँ। आप गमले की मिट्टी में इसे मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर से खोद के फिर इसको मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ऊपर से थोड़ा पानी डाल दीजिए। इससे आपके गमले बिल्कुल हरे भरे रहेंगे और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि ये पावरफुल रेमेडी आपके गमलों की मिट्टी को और भी ज़्यादा उपजाऊ बना देगी। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हम डिटर्जेंट में डालेंगे थोड़ा सा इनो पाउडर। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड, डिटर्जेंट का यूज़ हम सभी कपड़े धोने में करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गहरे दाग लग जाते हैं, तो वहाँ पर आप इस इनो को इस डिटर्जेंट में मिक्स कर सकते हैं। इससे आपके व्हाइट कपड़े चमकदार भी होंगे और दागी कपड़े भी एकदम क्लीन हो जाएंगे इस ट्रिक से। मेरे पास जो ये डिटर्जेंट है, ये पूरा डब्बा भरा हुआ है, आपको आधे डिटर्जेंट पे ही इसको मिलाना है, या फिर थोड़ा सा डिटर्जेंट अलग से लेके उसमें भी इनो आप मिक्स कर सकते हैं। तो आप इस इनो का कमाल मैं आपको दिखाऊंगी इस व्हाइट वाले हैंकी के ऊपर, क्योंकि व्हाइट कपड़ों में दाग बहुत ज़्यादा गहरे लग जाते हैं, जो कि एक बार के वॉश से नहीं साफ होते। लेकिन इस ट्रिक से मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से हम इस टिप को यूज़ करके एक बार में ही दाग को पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो ये इनो मिला हुआ डिटर्जेंट हम इसके ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, और सबसे पहले इन दागों को पहले थोड़ा सा गीला करना है और थोड़ा सा इनको वॉश कर लेना है। मैंने इनको वॉश नहीं किया, डायरेक्ट इसके ऊपर इनो मिला हुआ डिटर्जेंट डाल दिया है। इनो मिला हुआ डिटर्जेंट डालने के बाद कुछ देर तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि इनो और सर्फ दोनों मिलने के बाद पानी के साथ एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपके जितने भी दाग हैं वो पूरी तरह से फूल जाते हैं और उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला डार्क पानी था वो मैंने फेंक दिया है, चेंज कर दिया है, अब दूसरा पानी मैंने ले लिया है। तो आप देख सकते हैं कॉफ़ी का जो दाग था वो तो तुरंत ही रिमूव हो गया है, तो लेकिन जो हल्दी का दाग है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है और ईजीली नहीं जाता, और मैंने यहाँ पर हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी है। तो आप देख सकते हैं हल्दी वाला दाग भी काफ़ी हद तक इसमें हल्का हो गया है। आप क्या करिए, थोड़ा सा नींबू का छिलका भी इसके ऊपर रब कर सकते हैं, तो क्या होगा कि हल्दी वाला दाग तुरंत ही रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हल्के हाथों से दाग वाली साइड में रब करने से दाग आपका बिल्कुल निकल जाएगा। कम मेहनत में, कम समय में आप दाग को इंस्टेंट निकाल सकते हैं। मशीन वॉश कर रहे हैं तो आप इनो को मशीन में ही डाल दें। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप बेकिंग सोडा भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस ट्रिक से आपके व्हाइट कपड़े एकदम चमकदार भी हो जाएंगे और दागी कपड़े बेदाग भी हो जाएंगे। आई होप टिप आपको यूजफुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे ताला चाबी को लेके। हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, ताले तो बहुत सारे होते हैं लेकिन चाबी का एक मोटा गुच्छा होता है। फिलहाल मैं आपको दो ही चाबी इसमें यूज करना आपको बता रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास
जगह जगह ताले हम लगा देते हैं और चाबियों का एक मोटा गुच्छा होने पर हमें जल्दी से इसकी चाबी का पता नहीं लगता कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है, और इस तरह से ताले की चाबी ढूंढने में हमारा बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। इस छोटी सी ट्रिक से आपका काम होगा आसान, इजीली आप इसका ताला और चाबी एक मिनट में ही लगा सकते हैं और इसको फटाफट से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे यूज़फुल टिप है, हम ले लेंगे इस तरह की नेल पेंट। तो अलग अलग कलर की नेल पेंट आपको लेनी है, जिस ताले की जो चाबी है उसके ऊपर आपको इस तरह का नेल पेंट लगाना है, यानी कि ताले के ऊपर भी आपको सेम कलर का नेल पेंट लगाना है और चाबी के ऊपर भी आपको सेम कलर का नेल पेंट लगाना है। इससे क्या होगा कि इंस्टेंट आपको पता लग जाएगा कि इस ताले की यही वाली चाबी है, और क्योंकि इसमें सेम कलर का नेल पेंट लगा है तो इस ट्रिक से बिना समय गवाए हम झटपट ताले को खोल सकते हैं। तो इस तरह से ताला और चाबी दोनों के ऊपर सेम कलर का नेल पेंट लगाने के बाद हम इसको थोड़ी देर सूखने देंगे ताकि ये पूरी तरह ड्राई हो जाए, और जो दूसरा ताला और चाबी है उसके ऊपर हम अलग कलर का नेल पेंट लगाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि इस वाले ताले की ये वाली चाबी है। तो दोनों पर ही हमें सेम कलर का नेल पेंट लगाना है, ताला और चाबी। तो इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा झटपट और बहुत ही आसान, आपको बहुत देर तक चाबी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही आप ताले को खोलने के लिए चाबी निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस ताले की ये वाली चाबी है, क्योंकि सेम कलर का नेल पेंट हमने इनके ऊपर लगाया है। आई होप ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन आपके बहुत काम आई होगी। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। तो टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड, जब भी बच्चे या कोई बड़े स्टडी करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है जिनको हम इस तरह से पेन से, कलर वाले पेन से मार्क कर लेते हैं और इजीली हमें ये इंपॉर्टेंट लाइन मिल जाती है और हम इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इस तरह से अंडरलाइन करने से हम समय में ही हम पूरे चैप्टर की मेन पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जल्दबाजी में हम कुछ अदर लाइन को भी इस तरह से मार्क कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होती और गलती से हम उनको मार्क कर लेते हैं। तो अगर इनको आपको रिमूव करना है तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। हम ले लेंगे इस तरह से छोटा सा नींबू का छिलका, हल्का फुल्का रस उस छिलके के अंदर होना चाहिए, और जो लाइन हमने मार्क करी है उसके ऊपर अगर हम इस तरह से नींबू का छिलका रब करेंगे तो ईजिली वो जितना भी मार्क किया हुआ निशान है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। बस इसको थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। तो इस तरीके से हमने जो लाइन रिमूव करनी है इजीली इस नींबू के छिलके से हम रिमूव कर सकते हैं। आई होप ये टिप भी छोटी सी है लेकिन आपके बहुत काम आई होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स कि इन समर में हम अक्सर बैग लेके इधर उधर कहीं घर से बाहर जाते हैं तो एक ठंडी पानी की बोतल ज़रूर कैरी करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम इस बैग के अंदर इस पानी की बोतल को रखते हैं तो ये इधर उधर रुड़क जाती है, जिसकी वजह से इसका लीक होने का डर रहता है। और बैग के अंदर हमारा अदर सामान भी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर भी होते हैं जो कि भीगने की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो इसको एक ही जगह स्टेबल रखने की बहुत ही फुल ट्रिक मेरे पास है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक सेफ्टी पिन और एक रबड़ बैंड। तो हमें इस तरह का रबड़ बैंड लेना है, थोड़ा सा मोटा वाला, और इस रबड़ बैंड को इस सेफ्टी पिन की हेल्प से एक कोने में हम अटैच कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए रबड़ बैंड को हम इस तरह से साइड में लगाएंगे और इसके ऊपर अच्छे से पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि रबड़ बैंड हमारा इधर उधर मूव ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रबड़ बैंड को हमने पिन की हेल्प से यहाँ पर फिक्स कर लिया है, अटैच कर लिया है। और अब मैं बताती हूँ बोतल हमें यहाँ पर किस तरह से रखनी है। तो नॉर्मल तरीके से आप बैग के अंदर बोतल को डाल दीजिए और रबड़ बैंड को खींचते हुए इस बोतल के ऊपर चढ़ा दीजिए। तो अब आपके रबड़ बैंड के अंदर ही बोतल फिक्स हो चुकी है। अब आपका पर्स कितना भी मूव करेगा, इधर उधर होगा, तो आपकी बोतल ऐसे ही खड़ी रहेगी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं रुड़केगी, ना गिरेगी और ना ही इसमें पानी लीक होने का डर होगा। तो अब आप इजीली इस बैग की चेन लगा सकते हैं और जब भी आपको पानी पीना हो तो रबड़ बैंड में से बोतल को निकालिए और पानी पीजिए और फिर से इसी ट्रिक से बोतल को अंदर रख सकते हैं, इससे पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। तो आई होप ट्रिक ये छोटी सी है लेकिन आपके बहुत काम आई होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो अगली और लास्ट टिप है फ्रेंड्स कि अगर आपकी कढ़ाई भी इस तरह से जल गई है, तेल के दाग हैं या फिर जले हुए के दाग हैं, तो उसको निकालने की सबसे यूज़फुल ट्रिक है कोलगेट पेस्ट। तो इस तरह का वाइट वाला कोलगेट पेस्ट हमें ले लेना है और अपनी जली हुई कढ़ाई के ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट। तो इस तरह
साथ से कोलगेट पेस्ट लगाने के बाद अब हम इस कढ़ाई के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी। गैस को हम ऑन कर लेंगे, पानी को हल्का सा गर्म होने देंगे और साथ में ही हम डाल देंगे छोटा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, जो फॉइल पेपर का टुकड़ा होता है, इसमें आपके जले हुए दागों को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह का छोटा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा आप इस गर्म पानी के ऊपर से डाल दीजिए, और अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो किसी चिमटे या किसी चीज़ की चम्मच से इस तरह से आप इसको रगड़ दीजिए। कोलगेट पेस्ट को पूरी ही कढ़ाई के ऊपर अच्छे से आपने रगड़ देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, जब आप इस फॉइल पेपर से इस कढ़ाई को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे झटपट इसमें जितने भी गहरे लगे हुए दाग हैं तुरंत ही रिमूव हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी लिक्विड डिशवॉश। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रिक से झटपट आप अपनी गंदी और जली हुई कढ़ाई को इंस्टेंट साफ कर सकते हैं। पानी को आपको हल्का गर्म जरूर करना है, उसी से आपके स्टेन पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने शहर का नाम भी मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।